सीसीटीवी कैमरे में आया, पकड़ो जाके इसको, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ लो यार, बैठ 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 बैठ। तो आप देख सकते हैं चोर की स्पीड, देख सकते हैं कैसे भागा चोर, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं चोर कैसे भाग गया। इतने में, एक सेकंड में भाग गया, क्योंकि पुलिस को जानकारी दे रखी थी और वो यहां से मौके से भाग गया। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, वहां पर बिजली की तारे चोरी कर कर जो है चोर फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में आया, पकड़ो जाके इसको, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ लो यार, बैठ 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 बैठ। नशा करने के आदि युवक आजकल उन मकानों में चोरियां कर रहे हैं जो मकान बन रहे होते हैं, जहां पर लोग नहीं रह रहे होते हैं वहां से लोहे का सरिया और बिजली की तारों की फिटिंग काट कर ले जाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं नशे में और चोरी कर कर ले जा रहा था। गलती हुई है, मानते हो? मानता हूं गलती है। कौन सा नशा करते हो? स्मैक भी लेते हो? गांजा? नहीं तो कुछ नहीं जी। कुछ तो लेता है तू? कुछ नहीं जी। तेरे हाथ बता रहे हैं? खाली पीली। नए मकान जितने भी बन रहे होते हैं उन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि सीसीटीवी कैमरा सेटअप आप मकान बनने के बाद तो लगाते ही हैं, लेकिन दो कैमरे पहले ही लगवा दिए जाए। हालांकि अंकल जी ने पहले लगवाए हुए हैं। अंकल जी, कैसे पकड़ा, कैसे पकड़ा आपने इनको? मैंने कैमरे में, घर से कैमरे में देखा तो मैंने देखा ये बंदा आधे 15-20 मिनट से बैठा है, बीड़ियां पी रहा है, फिर इसने यहाँ से कट्टा उठाया, फिर इधर से सामान पाया, फिर मैं उसी टाइम स्कूटी गाड़ी उठा के अपने यहाँ पे आ गया और इसको पकड़ा है। रंगा तो कट्टा में भरा हुआ है सरिया। तो नशेड़ी किस्म का है? तो नशेड़ी तो है ही है, नशेड़ी नशेड़ी है। ये ज्योति नगर कहता है, मैं ज्योति नगर शिव कॉलोनी के पास का हूँ, इधर इतनी दूर से ये मार करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो अंकल ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए थे और उस कैमरे से घर पर देखा कि एक व्यक्ति, आप देख सकते हैं कट्टे में सरिये भर रहा है। हमारे सहयोगी मुकुल खोल के देखना है पर क्या कुछ है इसमें, सरिये भर रहा था आप देख सकते हैं, और उससे पहले ही पकड़ा गया। कट्टे का सरिया भरकर इसने जाना था। क्यों चोरी करते हो भैया, कब से कर रहे हो? में चोरी करते हैं, पहली बार गलती तो हो गई जी, मेरे साथ आज जिंदगी में कभी मैंने चोरी नहीं करी थी। ऐसा तो नहीं हुआ भैया पहली बार करी है तूने चोरी? नहीं जी, पहले भी नहीं जी, पहले नहीं आया जी, यकीन है तो क्या मैं चाय कर लो बेचो तो पहले ही आया जी, अब यकीन है तो मैं कभी नहीं आया जी, आज पहली बार चोरी, पहले कभी कभी नहीं करी चोरी, ये गलती आज पहली बार हुई है जी। नशा क्यों करते हो? में सिर्फ खाली बीड़ी पीता हूँ, आपको पहले बता दे दी, अभी खाली बीड़ी पीता हूँ। पीने वाला तो तेरा हालात नहीं दिख रहे, घर से बाहर हूँ जी, मैं घर से बाहर रहता हूँ जी, घर घर बड़े नहीं देते जी। करेगा तो कौन जाने देगा तेरे को? काम पे तो नहीं जी मेरे पास, काम कर लेना भाई, मजदूरी करके थोड़ी काम चलेगा तेरा, दिहाड़ी कर ले, मजदूरी खड़े कर ले, चौक पे खड़ा हो जा, 400-500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी ना? हाँ जी। फिर चोरी जरूरी करनी है नशा करके? नहीं, आज बात दिहाड़ी करूंगा, आज बात चोरी नहीं करता जी, गलती जो है पहले बार की गलती होगी, आज बात यहाँ नहीं आऊंगा, मैं चोरी करूंगा। आगे से करेगा दिहाड़ी? नहीं, हाँ जी करूंगा जी। कहाँ पे करेगा? लेबर चौक पे जी। पहले करिए कभी? हाँ जी करिए जी। तो फिर चोरी की आदत क्यों पड़ गई? बात ये पहली बार गलती से हुई है जी। पहली बार तो नहीं करी तूने? नहीं, पहली बार ही हुई है। तो आप देख सकते हैं पहले भी चोरी जरूर करता होगा। और अंकल जी, आप देख सकते हैं जिनका मकान यहाँ पर बन रहा है, इस तरह की चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। परसों भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि करनाल के सेक्टर 5 में एक मकान बन रहा है और वहां पर बिजली की तारे चोरी कर कर जो है चोर फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में आया, पकड़ो जाके इसको, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ लो यार, बैठ 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 बैठ। तो आप देख सकते हैं चोर की स्पीड, देख सकते हैं कैसे भागा चोर, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं चोर कैसे भाग गया। इतने में, एक सेकंड में भाग गया, क्योंकि पुलिस को जानकारी दे रखी थी और वो यहां से मौके से भाग गया। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, तो तस्वीरें देख सकते हैं इस मकान में चोर का, अभी इंटरव्यू लिया था, अभी तो मकान मालिक है उनका इंटरव्यू ले रहे थे, डायरेक्ट 112 को फोन कर दिया था, लेकिन देखते ही देखते कैसे चोर भाग गया, देखते ही देखते कैसे चोर भाग गया। पीछा किया भी लोगों ने, मोटरसाइकिल पर भी किया, लेकिन चोर हाथ में चप्पल उठाकर कैसे, वीडियो में आप देख सकते हैं भागता हुआ नजर आ रहा था। इस समय मकान के जो मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखा जो चोर पहले माफिया मांग रहा था, अभी आपका इंटरव्यू कर रहे थे और इतने पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन कैसे गोली की तरह वो भागता हुआ नजर आया? वो तो एकदम ही अपना निकल गया, प्रोफेशनल चोर लगता है,
जैसे कि वो पक्का चोर चप्पल हाथ में पकड़ के एकदम स्पीड से भाग गया, देखते देखते नजर ही नहीं आया, कर्ण पार्क तक उसको ढूंढने गए, द्वार कूद के वो निकल गया, अब आगे कुछ नजर ही नहीं आया। बाबू जी ऐसे बंदे का कोई शक्ल नजर आ रही है, अगर कोई पक्का इसको देखता है तो इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, या अपना कोई आगे पकड़ा जाता है ऐसे बंदों को ध्यान रखना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो नशेड़ी किस्म के होते हैं, नशा कर सकते हैं, करते हैं ये, और ये कुछ भी कर सकते हैं, अगर मकान में कोई मिल भी जाए तो उसको चक्कू तक मार सकते हैं, चक्कू तक इनके पास होता है। हाँ, चक्कू ले रहा था हाथ में, भाग गया, बस क्या कर सकते हैं उसको, ये तो मैंने कैमरे में देख लिया उसको, तो मैं आगे पकड़ लिया, नहीं तो सामान उठा के चला ही गया जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मकान बन रहा अगर आपका है तो उसमें भी सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए, क्योंकि कल को अगर आपका लोहा चोरी होता है, आपका सीमेंट चोरी होता है, आपका लोहा चोरी होता है, तारे चोरी होती है, तारे काट ली जाती है जो फिटिंग की है, वो तभी पकड़ में आएगा जब आपके सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अंकल ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, घर बैठे थे, स्क्रीन पर कैमरे चल रहे थे, तो देखा 15 से 20 मिनट में ये लड़का यहाँ पर बैठा था, लोहा चोरी कर रहा था, कट्टों में भर रहा था, जिसके बाद जो है अंकल जी भागे भागे आए और तब जाकर इसको पकड़ा, लेकिन कैसे वो मीडिया के सामने ही चंद सेकंडों में गोली की तरह भाग गया, सड़क क्रॉस कर दीवार टाप गया, लोग पीछे गए भी, मोटरसाइकिलों पर पीछा भी किया, लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।